हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप सबको नवरात्रि के दौरान होने वाली माता की नौ रूपों की पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। इन नौ दिनों में आपको किस दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए और उस दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता को नौ दिनों तक क्या क्या भोग लगाना चाहिए, ये आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो पहले हम शुरुआत करते हैं माता की एक छोटी सी प्रार्थना से। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटीति कूष्मांडीति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तनीतानि नामानि ब्रह्मनैव महात्मना। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको कोई मदद मिले तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन हमें माता शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए या पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, पांचवे दिन स्कंद माता, छठे दिन देवी कात्यायनी, सप्तमी को माता कालरात्रि और अष्टमी को महागौरी और नवमी को सिद्धिदात्री देवी की पूजा करनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, पहले दिन आपको माता शैलपुत्री को घी का, गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिचरी का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी कोई मिठाई, इसका भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और पांचवे दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन माता कात्यायनी को हनी मतलब मधु या शहद का भोग लगाना चाहिए। सातवें दिन देवी कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आठवें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। और नौवे दिन मतलब नवमी को देवी सिद्धिदात्री को हमें तिल का भोग लगाना चाहिए। तो पहले दिन यानी माता शैलपुत्री के दिन हमें ग्रे कलर के वस्त्र पहनना शुभ रहता है। दूसरे दिन यानी माता ब्रह्मचारिणी के पूजा के दिन नारंगी मतलब ऑरेंज कलर के कपड़ा पहनना शुभ होता है। तीसरे दिन यानी माता चंद्रघंटा के पूजा के दिन हमें सफ़ेद कलर पहनना चाहिए। चौथे दिन हमें रेड कलर यानी लाल कलर के वस्त्र पहनना चाहिए। पांचवे दिन यानी माता स्कंद माता के पूजा के दिन हमें नीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है। छठे दिन यानी देवी कात्यायनी के दिन हमें येलो यानी हल्दी के रंग का कपड़ा पहनना शुभ होता है। सातवें दिन यानी माता कालरात्रि के दिन हमें हरे रंग यानी ग्रीन कलर का वस्त्र पहनना शुभ होगा। आठवें दिन यानी माता महागौरी के पूजा के दिन, इस दिन भी हमें हरे रंग के कपड़ा पहनना शुभ होगा। और माता सिद्धिदात्री के दिन यानी नवमी को हमें वायोलेट कलर के कपड़ा पहनना शुभ रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जय माता दी दोस्तों।